आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 है, सेकंड ईयर, और टॉपिक का नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बच्चों, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमारे पास, जिसको हम शॉर्ट टर्म में CRO भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। अच्छा, CRO जो है ना, ये जो डायग्राम है, मैं थोड़ी सी इसको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं। अगर आपने टीवी देखी हो ना, टीवी की जो अंदर वाली पिक्चर ट्यूब होती है, अगर टीवी से बाहर को खोल के देखें तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। मतलब देखें, अंदर की ये चीज़ नज़र आती है। अब हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जिसको हम CRO कहते हैं। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है, ठीक है। डायग्राम के साथ पहले मैं तो इसको डेफिनेशन देखने चाहते हैं, इसके बाद फिर हम डायग्राम की तरफ आएंगे। अच्छा, पहले ये है कि व्हाट इज CRO, CRO क्या चीज़ है, ठीक है, ये किस काम आती है। इट कैन डिस्प्ले द ग्राफ विच रैपिडली वेरिंग विद टाइम। टाइम के लिहाज से ये क्या होते हैं, ग्राफ चेंज होता रहता है। मतलब, और अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर आल्सो कॉल्ड CRO। जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनको हम CRO कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके यूजेस कहाँ है। CRO जो है हमारे पास, CRO यूज फॉर डिस्प्लेइंग वेवफॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज। ये क्या कहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमें वेव फॉर्म में डिस्प्ले दिखाते हैं। जैसे आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है, आपको इस शेप में वेव फॉर्म नजर आएगा। मतलब इसी तरह वही कैन मेजर भी कर सकते हैं वोल्टेज को, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फेज के साथ भी मेजर कर सकते हैं। फेज डिफरेंस कितना बनता है, ये 180 डिग्री इसका फेज शिफ्ट आता है, हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। देखिए, वेव फॉर्म में भी इसको साइनसोइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं, इसको साइनसोइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देखने, ये इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, ये sawtooth बनता है वोल्टेज के साथ। आपने देखा होगा sawtooth वोल्टेज का मतलब, saw का मतलब होता है आरी, tooth का मतलब दांत। आपने देखा होगा कि जैसे आरी के दांत नहीं होते, देखें इस तरह करके, ये देखें ये आरी के दांत है, इस तरह करके ग्राफ बनता है। किसके दरमियान बनता है, देखें ये वोल्टेज और टाइम के साथ ये ग्राफ बनता है। देखें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं, देखें वोल्टेज के बढ़ने से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। देखें फिर हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज हाई होंगे, फिर वोल्टेज कम, फिर हाई, टाइम के साथ ये वेरिंग करते हैं। इसको हम टाइम बेस जनरेटर भी कहते हैं, टाइम बेस जनरेटर, सिर्फ टाइम बेस जनरेटर, जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, इनकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के अंदर बच्चों ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये CRO है, ये हमारे पास F फिलामेंट है। फिलामेंट का आपको पता है कि फिलामेंट क्या होता है, बल्ब के अंदर जो होते हैं ना, उनके अंदर फिलामेंट लगा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं। इसके साथ हमारे पास ग्रिड है और स्क्रीन है, A1, A2, A3 जो है ना, ये हमारे पास एनोड है। X है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, और जो Y है ये हमारे पास वर्टिकल प्लेट है। जो Y एक्सिस वाली है, इनको हम वर्टिकल प्लेट भी कहते हैं। ये वर्टिकल प्लेट है हमारे पास। अब देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहां से हम किसी भी ग्रिड को, ये हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद ग्रिड कहते हैं, एक जाली को कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना रुक जाते हैं, कुछ यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। आप देखें आगे, ये हमारे पास एनोड है, ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब ये एनोड इनके ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आगे की तरफ चले जाते हैं। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें एक वेव फॉर्म, एक क्लियर तस्वीर नजर आती है। CRO जो है हमारे पास, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, ये एक डिवाइस होती है जो हमें वेव फॉर्म की शक्ल में वोल्टेज देती है और फ्रीक्वेंसी भी देती है, डिफरेंट चीज हम मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास CRO। तो आप लोगों ने बच्चों, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, इसकी डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसकी डिटेल वीडियो आगे मैंने बनानी है। आज का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है CRO के बारे में, इनकी डायग्राम बनाई है, और आगे इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।